जानते हो कल डैडी आए थे। अच्छा, किस खुशी में भाई? हमें मुबारकबाद देने। वो भी आज अब 13 साल के बाद। हाँ, कह रहे थे उन्होंने अपनी जिद तोड़ दी। गुड। और पता है, पंचगनी की वापसी पर हमें खाने पे भी बुलाया। जरूर कोई मतलब होगा। चलो ऐसा ही सही, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी खातिर जाना ही होगा। तुम्हारी खातिर? जरूर जाएंगे साहब, लेकिन कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन मम्मी। पापा कहाँ है मम्मी? वो एक काम में फंस गए थे इसलिए नहीं आ सके। मैं ड्राइवर को लेके आई। मम्मी आप तो खुद कार चला लेती हैं, फिर ये ड्राइवर क्यों? इतना लंबा सफर था बेटे और मुझे अकेले आने में डर लग रहा था, और फिर ये ड्राइवर मुझे पसंद भी है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राइवर। क्यों? जो ड्राइवर पापा की जगह आया हो वो मुझे कैसे पसंद आ सकता है? बम्बई जाकर मैं 7 दिन तक पापा से बात नहीं करूंगी। चलो ड्राइवर। मम्मी कैसा ड्राइवर है ये जो आपके कहने पर भी नहीं चलता? नहीं चलेगा ये ड्राइवर, यहाँ से बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक जब तक छोटी बीवी सामने आकर हमारे दोनों गालों पर एक एक किच्ची नहीं करेगा। बड़ा बदतमीज है ये। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ड्राइवर किसी मांग रहा है। मम्मी आप क्यों नहीं गाड़ी चलाती है? अब ये अपनी जगह से हटेगा नहीं तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? बेटा आप जल्दी से इसको किसी दे दो, नहीं तो ये मुझसे किसी मांगेगा। हाँ वो तो हमारी तनख्वाह है। पापा, आपका मजाक हमेशा रुला कर हंसाता है। नहीं बेटे, रुलाने से पहले हंसाता है।